एस्ट्रल ट्रेवलिंग एक प्रकार का साइकिक एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ कई टर्म ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रेवलिंग। ये सारे टर्म काफ़ी हद तक एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, लेकिन इनको अलग अलग भी समझाया जा सकता है, इनका एक एक्सप्लेनेशन अलग भी हो जाता है। जब हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रेवलिंग कहते हैं, इसका मतलब ट्रेवल का मतलब तो जाना हुआ कि हम जहाँ पे भौतिक स्थान पर हैं उससे कहीं और जा रहे हैं, और हम शरीर से नहीं अपनी आत्मा से जा रहे हैं या चेतना से जा रहे हैं। यानी जब हमारी चेतना हमारे शरीर से दूर उस स्थान से जुड़ सकती है जो स्थान हमारे भौतिक अंगों की कैपेसिटी से उस वक्त परे है, तो वो एस्ट्रल ट्रेवलिंग हो जाती है। इसको समझें, इस एक प्रकार के अनुभव, जो साइकिक अनुभव मैं इसको कहूँगा, इसको अगर आप समझें तो पहले ये समझें कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता क्या है। आउट ऑफ बॉडी यानी हमारे शरीर के साथ हमारी चेतना जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। अगर हम इस शरीर से बाहर जाकर उस आत्मा से अनुभव लेते हैं तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। यह बहुत बार जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो गहन मेडिटेशन करते हैं, लंबे अरसे तक करते हैं, कई सालों तक करते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा त्राटक करते हैं या ध्यान की क्रियाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वो अपने आप को वो क्रिया करते हुए खुद देखते हैं। इसका कोई सही से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं बन पाया है, क्योंकि जो साइंस चलता है वो काज और इफेक्ट पे चलता है, और साथ में जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और जो चेंज होती है वो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्वालिफाई करनी चाहिए। यानी साइंस अपने एक पैरामीटर लेके चलता है जो कि अधिकतर भौतिक आधार के होते हैं, और ये एक अभौतिक अनुभव है, और इसके सैंपल इतना इकट्ठा करना भी नहीं एक प्रकार से पॉसिबल होता है। तो अभी तक इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर लोगों के सामने नहीं आया है, लेकिन ये अनुभव तो होते हैं। अगर आप बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने आप को देखते हैं कि मैं बैठा हूँ, तो ये महज हलुसिनेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कि आपकी आत्मा या आपकी जो चेतना है, आपकी जो जागरूकता है, आपके शरीर से बाहर निकल चुकी है और आपसे जुड़ गई है। फिर बात ये होती है, अगर वो बाहर निकले तो मरे क्यों नहीं? क्योंकि मान्यता ये भी है कि वो एक डोरी से, इनविजिबल डोरी से, जैसे सिल्वर कॉर्ड कह देते हैं, तो वो हमारी नाभि से जुड़ी रहती है। यानी वो कहीं भी चली जाए, रहती हमसे जुड़ी है जब तक हम जिंदा हैं। दूसरी बात है नियर डेथ एक्सपीरियंस की, जो करते हैं कि मृत्यु के वक्त बहुत बार ऐसा होता है, मृत्यु हो जाती है एक बार और इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है, और उस वक्त के वो सारे अनुभव बताता है, सारी बातें बताता है जो वहाँ पे हो रही होती हैं। वो ये भी बताता है कि मैं अपने आप को ऐसा लेटा हुआ देख रहा था, और इसके अलावा कुछ और भी अलग स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन भी कई बार वो देता है। इसका भी कोई जस्टिफाइड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ एक्सप्लेनेशन दी हैं लेकिन वो इतनी जस्टिफाइड नहीं हो पाती हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी जब आपकी आत्मा को ये खतरा है कि शरीर ख़त्म होने वाला है, जैसे कोई डूबते हुए इंसान के बार अपने आप को देखता है, कई बार एक्सीडेंट के वक्त इंसान अपने एक्सीडेंट को होता हुआ देखता है, तो उस वक्त का जो अनुभव होता है उसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे कि शरीर से बाहर अपने आप को देखते हैं। लेकिन जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो वो हमारा एक कॉन्शियस एफर्ट है। ये जो दोनों बातें हैं वो तो वैसे हो जाती हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी वैसे हो जाता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी वैसे हो जाता है, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपनी आत्मा को, अपनी जागृति और अपनी चेतना को शरीर से कहीं दूर ले जा रहे हो। आपने बहुत सारों ने ऐसा अनुभव भी करा होगा, खासतौर पर जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं, कि वो जब किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका चित्र उसके माइंड में आ जाता है, और उसी रूप में आ रहा होता है कई बार, जिस रूप में, जिस कपड़ों में वो होता है,
या जो काम वो कर रहा होता है, कई बार बिल्कुल वही होता है, आप किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो जब आता है तो उसकी छवि आपके माइंड में पहले आ चुकी होती है और उसी प्रकार के वस्त्र आपको मिलते हैं, ऐसा हो जाता है, अनेकों बार होता है। तो ये एक प्रकार का साइकिक अनुभव हुआ, क्योंकि हमारी चेतना कहीं ना कहीं वहीं पर ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन हम पूरे कॉन्शियस हैं। यानी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के अंदर भी आप अपनी जागृता को, यानी शरीर में जो कॉन्शियसनेस है उसको ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उस स्थान से जुड़ जाती है जिस स्थान की आप चेतना लेना चाहते हैं। इसको बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत आसान आसान तरीके। जैसे तो एक तरीका मैंने यही बता, जब आपसे कोई मिलने आने वाला होता है, आप उसका इंतजार कर रहे होते हैं, थोड़ा उसके बारे में आंखें बंद करके सोचिए, उसका चित्रण मन में लाइए और आइए जब वो आता है तो क्या वो मैच कर रहा है। कई बार जैसे फ्रिज में चीज़ें रखी होती हैं उसके बारे में सोचिए, आप सिर्फ वाइल्ड गैस मत लगाइए, बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगाइए और अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे आप फ्रिज को खोल कर देख रहे हैं तो उसमें आप क्या दिखाई देता है, उसे आप चेक करके देखें। इस प्रकार पत्तों को भी आप देख सकते हैं, लाल रंग का है, काला रंग का है। खाने के बारे में आप कर सकते हैं कि आज शाम को क्या बनेगा या लंच में आज क्या आ रहा है, इस प्रकार के अनुभव करें। इसमें आप देखेंगे बहुत बार आपको फेलियर भी मिलेगी, कभी कभी आपको इसमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सफलता का जो रेशो है वो बढ़ेगा। तो ये एक साइकिक अनुभव है जो आप कॉन्शियसली कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। मेडिटेशन से वैसे भी हमारी मेंटल हाइजीन बढ़ती है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, हम रिलैक्स रहने की आदत में पड़ जाते हैं और स्ट्रेस हमारा दूर होना शुरू हो जाता है, हम प्रेजेंट से ज़्यादा जुड़ के रहना सीख जाते हैं मेडिटेशन की वजह से। ये वैसे भी फायदेमंद है, ये सोच के ना करें कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन अगर आपने अनुभव करना है तो अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दें कॉन्शियसली, तो ये आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसमें आप किसी एक्सपर्ट की भी मदद लें, क्योंकि किताबों में पढ़ के या इधर उधर देख के सुन के अगर हम करते हैं तो हो सकता है हमारा तरीका इतना गलत हो कि उस मुकाम तक हम पहुंचने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहें, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपर्ट का गाइडेंस ले लेना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसके तो बहुत सारी क्रियाएँ उपलब्ध हैं, सिर्फ सांस पर ध्यान लगाने से भी मेडिटेशन हो जाती है। यानी इसको तो अपने बारे में अपने अवेयरनेस लाना है और उस अवेयरनेस को हमने कहीं और तक ले जाना है तो वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कही जाएगी। सिर्फ हिप्नोटिक विजन करना कि इमेजिन करा, कि आँख बंद करके इमेजिन करा वो चीज़ कहाँ है क्या है, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो माइंड की इमेजिनेशन भी हो सकती है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवलिंग महत इमेजिनेशन नहीं होती, उसके अंदर सच्चाई होती है उस वातावरण की, जिस वातावरण के साथ आप जुड़ रहे होते हैं। इसका अनुभव आप करना शुरू करें, आपको इसके रिजल्ट भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।